हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैलेंज का नेम है पेपर हैकर और आज हम पढ़ेंगे बीएसटी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स इफ। हमने 12th क्लास में पढ़ा था कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। द यूनिटरी मैट्रिक्स इज द यूनिटरी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर्स होते हैं जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कुछ इस तरह से। इसे क्या बोलेंगे? यूनिटरी मैट्रिक्स। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है कि यूनिटरी मैट्रिक्स में कंडीशन होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू ए इनटू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कंडीशन होती है कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू ए इनटू कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। अगर ये आई के इज इक्वल में मिल रहा है तो इसका मीनिंग है कि ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो हमें फोर ऑप्शंस दे रखे हैं, एक तो ये है, सेकंड ये, और ये। तो ये जो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इसमें से एक कंडीशन तो हमारे पास पहले से ही ट्रू है। हमें पता है इसकी प्रॉपर्टी में ये कंडीशन होती है कि ए इंटू कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू आई। तो ये इसका ये जो आंसर होगा वो ठीक कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि एन बाय एन का ऑर्डर है उसमें। स्क्वायर मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं। अगर थ्री रोज हैं तो थ्री ही कॉलम्स होंगे उसमें। तो ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स किस में एग्जिस्ट करेगा? हमने 12th क्लास में पहले ही पढ़ा था, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन मॉड ए इंटू एडजंक्ट ए। ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो अब कंडीशन चेक करते हैं हम। मॉड ए इज ग्रेटर देन 0, यस ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 होगा। अगर 0 हो जाता है, मॉड ए 0 हो गया तो क्या होगा? ये कंडीशन जो ये जो एडजंट है वो इन्फिनाइट बन जाएगा, क्योंकि 1/0 इज मीनिंग इन्फिनाइट। तो ए इनवर्स हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मॉड ए लेस देन 0, लेस देन 0 का मीनिंग होगा कि कुछ नंबर्स जो भी हैं वो निगेटिव में आएंगे, कुछ इस तरह से -2 -1 और कुछ भी। तो माइनस में अगर नंबर्स होते हैं तो इसका मीनिंग वो मॉड नहीं है, क्योंकि मॉड का मीनिंग ही होता है जो भी निगेटिव नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव में नंबर आ रहे हैं, यानी कि सेकंड कंडीशन चेक करें कि मॉड ए इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मीनिंग ही है कि जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव में है। तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये वाली कंडीशन ट्रू हो सकती है, क्योंकि वो ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक है, अब हम थर्ड कंडीशन चेक करते हैं कि मॉड ए डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। यस ऑफ कोर्स, ये जो मॉड ए है, हमने जो मॉड ए की वैल्यू हम निकालेंगे मैट्रिक्स से
वो वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है, क्या ए इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है तो मॉड ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, वो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, तभी हम मॉड ए इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो जीरो हो गई, बाय चांस मॉड ए की वैल्यू जीरो हो जाती है कुछ ऐसे, तो जब भी हम एडजेंट ए की मल्टीप्लिकेशन उससे करेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, इन्फिनेट मिल जाएगा, और हम ए इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, कि मॉड ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर डायगनल एलिमेंट जो होते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं डायगनल एलिमेंट क्या होते हैं। डायगनल एलिमेंट जो होते हैं, कुछ एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल होते हैं, कुछ होते हैं वर्टिकल होते हैं, लेकिन जो इस लेवल में एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं डायगनल एलिमेंट्स। तो इस बात हो रही है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की, किसकी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात हो रही है। अब स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, हमें पता है कि हर्मिशन मैट्रिक्स का फॉर्म फॉर्म जो होती है ये होती है कि हर्मिशन मैट्रिक्स जो होती है वो ये होती है कि ए इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म ऑफ ए, ए स्टार इज इक्वल्स टू ए, ये होती है इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स। ए स्टार यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए, यानी कि कुछ एग्जांपल लेते हैं हम हर्मिशन मैट्रिक्स समझने के लिए। एग्जांपल हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए कुछ इस तरह से, टू आई ये एग्जाम्पल है, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा। कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है कि कॉन्जुगेट के लिए निकालने के लिए हम जो होते हैं इमेजिनरी पार्ट के साइंस को चेंज कर देते हैं, जो ये इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को हम चेंज कर देते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके साइन को चेंज करते हैं, कॉन्जुगेट निकालते हैं। देखिए ये हो गया इसका कॉन्जुगेट, हमने इसके साइन को चेंज किया, प्लस साइन को माइनस में कर दिया और माइनस साइन को प्लस में चेंज कर दिया, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। अभी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा इसका, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, यानी कि टू टू माइनस आई ये हो गया, ये वाली रो थी, ये रो थी, ये कॉलम में आ गई, और ये वाली रो भी एक कॉलम में आ जाएगी। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ए के इक्वल होना चाहिए। हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, टू और टू प्लस आई, और सेकेंड रो थी टू टू माइनस आई और थ्री। कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया, टू और टू प्लस आई और टू माइनस आई और थ्री, ये तो हो गई हर्मिशन मैट्रिक्स। लेकिन अब स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, सेम स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होती है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ए, क्या कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये होती है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब पता कैसे चलेगा कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए एक फॉर्मूला लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं हम थ्री वन माइनस आई और वन प्लस आई और टू, पता करते हैं कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है या नहीं, कॉन्जुगेट निकालते हैं, थ्री वन प्लस आई वन माइनस आई और टू,
सॉरी, एक एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए ए इज इक्वल्स टू 5i, 3 माइनस 2i और -3 माइनस 2i और i, ये है एग्जांपल। अब इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए, 5i यानी कि -5i, 3 माइनस i यानी कि 3 प्लस i, -3i यानी 3 प्लस 2i और i यानी कि -i, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट और ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्टार जिसे भी जिसे बोलते हैं, इज इक्वल्स टू, अब इसे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, 5i 3 प्लस 2i 3 प्लस i और माइनस, ठीक है। सेम अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हमको a मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ये होती है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन क्या था कि डायगनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आर, क्या प्योरली इमेजनरी होंगे या ऑल जीरो होंगे, जीरो और प्योरली इमेजनरी होंगे या ऑल रियल होंगे। अब हम इसके डायगनल एलिमेंट देख लेते हैं। डायगनल एलिमेंट ये है, मतलब कि 5i और i, ये है डायगनल एलिमेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके लिए। तो क्या ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये रियल है, जीरो है या फिर जीरो और प्योरली इमेजनरी है? हमें तो दिख रहा है कि ये प्योरली इमेजनरी है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जीरो और प्योरली इमेजनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स आर, अभी मैंने बताया कि हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स, यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, वो होती है क्या? हर्मिशन मैट्रिक्स। अब हर्मिशन मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट क्या होते हैं? हर्मिशन मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट ऑल प्योर रियल, रियल रियल वैल्यूज होंगे हमेशा, ये दोनों, ये तीनों नहीं होंगे, ये प्योर रियल होंगे। अब ये क्यों होंगे, इसका एग्जांपल लेते हैं। पहले हम एक हर्मिशन मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कुछ इस तरह से एक मैट्रिक्स है, कुछ इस तरह से है, कुछ मैट्रिक्स ऐसे बनी हुई, सॉरी 3 प्लस 2i और ये 4, ये मैट्रिक्स है, ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। इसके जो डायगनल एलिमेंट हैं वो क्या होंगे? हमेशा रियल होंगे, ये यानी कि 3 और 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए। ये हर्मिशन मैट्रिक्स है, इसके भी जो डायगनल एलिमेंट है क्या है? रियल। तो जो हर्मिशन मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं? रियल। लेकिन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट क्या होते हैं? वो जीरो, या तो जीरो होंगे या फिर वो प्योरली इमेजनरी होंगे, उसमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि ये है, ये कॉम्बिनेशन है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल वैल्यू एंड इमेजनरी वैल्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल वैल्यू एंड इमेजनरी वैल्यू,
कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वैल्यू। लेकिन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, या तो जीरो या फिर प्योरली इमेजनरी, मतलब ये वाला जो पार्ट है उसमें नहीं होगा डायगनल एलिमेंट्स में। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल एलिमेंट। क्या लिखा है क्वेश्चन है, द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज, ट्रेस को फाइंड करने के लिए एक कंडीशन होती है मैट्रिक्स में। जब भी हम ट्रेस फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसकी कंडीशन होती है वो सारे के सारे डायगनल एलिमेंट का सम होता है। जैसे कि कुछ इस तरह से मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो ट्रेस क्या होगा इस मैट्रिक्स के लिए, जो हम ट्रेस फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स के लिए, ट्रेस होगा ये जो एलिमेंट है इनका क्या एडिशन, यानी कि 3 + 4 + 1, ये होता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस, यानी कि 3 + 4 + 1 यानी कि 8। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बी, सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, क्योंकि हम ये बात पहले से जानते हैं, ये हमारी कंडीशन ही है ट्रेस फाइंड करने के लिए, सम ऑफ इट्स डायगनल एलिमेंट्स, मतलब कोई भी जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है उसके डायगनल एलिमेंट्स का सम करना है। बस ये हमारे पास पहले से कंडीशन होती है, इसे हमें याद रखना है कि जो ट्रेस फाइंड करने की कंडीशन है वो है जो भी उसके डायगनल एलिमेंट हो उन सारे के सारे का सम कर दो। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एस, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शंस हैं सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स एन बाई एन का ऑर्डर होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उसमें नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड नहीं करता किसी भी चीज़ पे कि उसके अंदर नंबर क्या होंगे, वो कुछ भी नंबर हो सकते हैं, या फिर अगर इसमें सारे नंबर 0 0 हो, ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स थी, इसमें अगर कुछ इस तरह से नंबर लिखे हैं, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी? बिल्कुल होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग जस्ट ऑर्डर से होता है कि वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर वो एन बाय ओ एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसमें एलिमेंट्स क्या है ये मैटर नहीं करता स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एस, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो किसको एक्सप्रेस करती है। आंसर जो है वो सी ठीक है। अब ये ठीक क्यों है, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस लें तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो होती हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं जो, वो क्या होती हैं कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज इसके इजिकल्स टू में हो, यानी कि कुछ इस तरह से अगर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए, ट्रांसपोज ऑफ ए, वो ए के इक्वल होना चाहिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, सेम हमारे पास ए भी था, यानी कि ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ऑप्शन दे रखा है कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी हैं, जब सपोज कीजिए दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, हम यही वाली मैट्रिक्स यूज करते हैं, एक ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम एज 1 0 0 1, ये दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा,
वन प्लस वन टू और जीरो, और जीरो और वन प्लस वन टू। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? इसमें और कुछ नहीं हो सकता क्यों? यहाँ पर क्या जैसे कि ये आया टू और जीरो, क्या यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकेंड, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम होती है एज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, बस फर्क होता है कि ये माइनस होता है। मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? उसमें कोई और नंबर ऐड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आंसर ये ठीक है क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में कभी भी हमें एलिमेंट से मतलब नहीं होता कि उसमें क्या एलिमेंट्स होंगे, उसमें कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये ध्यान देना होता है कि उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, क्योंकि एलिमेंट्स के वजह से उसमें वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, और अगर चेंज हो गई तो फिर वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं रहेगी या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं रहेगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कभी भी ये बात मैटर नहीं करती कि उसके अंदर एलिमेंट क्या है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ट्रू आंसर। मतलब दोनों दोनों तरीके की मैट्रिक्स को मिला दो और उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट निकालना है इस मैट्रिक्स का। हमें पता है कॉन्जुगेट का मीनिंग, कॉन्जुगेट का जो मीनिंग होता है वो होता है कि इमेजिनरी जो पार्ट है उसमें जो भी इमेजिनरी नंबर है उनके साइन को चेंज कर देते हैं हम। मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है वन माइनस आई, टू आई और वन प्लस आई, ये मैट्रिक्स है। और हमें कॉन्जुगेट निकालना है, यानी कि ए एच कॉन्जुगेट निकालना है हमको। तो ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके हमें साइन चेंज करने हैं, यानी कि वन माइनस आई है तो वन प्लस आई कर देंगे, और टू एज इट इज आई, आई प्लस का है यहाँ पर, पॉजिटिव आई है। देखिए ये जो आई है ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव आई कर देंगे, और यहाँ पर वन प्लस आई तो वन माइनस आई, ये हो गया मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। तो आंसर कौन सा ठीक होगा? सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल्स टू कुछ मैट्रिक्स है, द रैंक ऑफ ए इज, ए की रैंक फाइंड करनी है हमको, और मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दे रखी है। ये है मैट्रिक्स, इसकी हमें रैंक फाइंड करनी है। हमने 12th क्लास में रैंक फाइंड करने का तरीका देखा था कि जितनी भी हमारे पास रोज हैं, नंबर ऑफ रोज हुज हैव सम एलिमेंट, और नॉन जीरो रोज, हम ऐसा बोल सकते हैं इसको, नॉन जीरो रोज, जितनी भी उसमें नॉन जीरो रोज हैं उनके नंबर काउंट करने हैं। इसमें से कौन सी ऐसी रो है जो जीरो है, कंप्लीटली जीरो है? ये कोई भी नहीं है। तो नॉन जीरो, जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं उनके नंबर, जितनी वो रो है उतनी ही उसकी रैंक होती है। यानी कि एक रो ये है जो नॉन जीरो है, सेकंड रो ये है जो नॉन जीरो है, और ये थर्ड रो ये है जो भी नॉन जीरो है। तो इसकी रैंक कितनी हो गई? थ्री। ए इज राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन नलिटी ऑफ ए इज, सबसे पहले देखते हैं कि नलिटी का मीनिंग क्या होता है. नलिटी 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 का मीनिंग होता है जीरो रोज प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स. जितनी भी रोज जो हैं, कुछ ऐसे, ये एक मैट्रिक्स है और ये वाली रो जीरो है, ठीक है. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, द नलिटी ऑफ ए इज, तो ये जो रो है ये जीरो है, इसको हम बोलते हैं नलिटी. इसमें नलिटी की पावर कितनी है? वन. एक रो है हमारे पास जो जीरो है. तो पूछा गया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो नलिटी होती है वो कितनी होती है, और हम जानते हैं रैंक इज इक्वल्स टू नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. तो नलिटी क्या हो गई? मतलब नलिटी जीरो रोज और रैंक नॉन जीरो रोज. तो क्या करेंगे, रैंक में से अगर हम रैंक में से नलिटी यानी कि एन को माइनस कर दें, रैंक में से अगर हम एन को माइनस कर दें, एन यानी कि रोज वन, तो हमको नलिटी मिल जाएगी कितनी है, ठीक है. तो इसका जो आंसर है वो ये है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन. इन एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स नॉन जीरो रो ऑलवेज अकर. एक्लन फॉर्म हमने 12th में पढ़ी थी कि एक्लन फॉर्म जो होती है वो मैट्रिक्स की क्या होती है, कि जब हम रोज को जीरो बनाने के लिए चेंज करते जाते हैं. ये कुछ मैट्रिक्स है और इसमें हम अपने ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं. ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का. इसमें जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से, R1 goes to R1 minus R2, और R3 goes to R3 plus R2, कुछ इस तरह से जब हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं रोज को जीरो बनाने के लिए, कुछ भी, ये एक कॉलम है इसको कम्प्लीटली मैंने जीरो बना दिया, या फिर इस रो को मैंने कम्प्लीटली जीरो बना दिया, तो इस ऑपरेशंस को तो बोलते हैं हम क्या, एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है. अब पूछा गया है क्वेश्चन में, इन एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स नॉन जीरो रोज ऑलवेज अकर. नॉन जीरो रोज एक्लन फॉर्म में कहाँ पर आती हैं? जस्ट लाइक हमने ये जो मैट्रिक्स ली थी इसको हमने परफॉर्म करते करते कुछ इस तरह से बना दिया. ये जो लास्ट वाली रो थी हमारी पूरी जीरो हो गई, ठीक है. लास्ट वाली रो हमारी जीरो हो गई, हमने ऑपरेशन अप्लाई किए और लास्ट वाली रो को हमने जीरो बना दिया, जो कि हमें करना होता है, ठीक है. अब पूछा गया है कि जो नॉन जीरो रोज है वो कहाँ पर अकर होती है मैट्रिक्स में. मैट्रिक्स में कहाँ पर अकर हो रही है? ऑलवेज जीरो रो के ऊपर, ठीक है. अगर बाई चांस हम लोग कहाँ पर, यहाँ पर भी बना देते हैं जीरो रो, तो हम उसको चेंज करते हैं ऑलवेज. हमें ये कंडीशन है कि हमें हमेशा जो जीरो रो है उसे लास्ट में ही रखना है, ठीक है. अगर यहाँ पर हमको जीरो मिल जाती, ये 3 2 3 2 0 यहाँ होता और ये वाली सारी 0 0 होती, तो भी हमें इसको चेंज करते, क्या करते, ऑपरेशन अप्लाई हम करते R2 change R3, ठीक है. R2 को R3 बना देते हम, तो हमेशा से क्या होगा,
जो नॉन जीरो रोज होंगी यानी कि जिसमें कुछ नंबर्स होंगे जीरो नहीं होंगे, सारी की सारी नंबर जो है जीरो नहीं होंगे, उसे बोलते हैं नॉन जीरो रो। और वो कहाँ आकर करेगी? ऑलवेज जीरो रो के ऊपर, ठीक है, जीरो रो के ऊपर आकर करेगी। तो आंसर कौन सा ठीक हो गया? आफ्टर जीरो रोज, बिफोर जीरो रोज, एनी वेयर या नन ऑफ दीज? क्या? बिफोर जीरो रोज। हम सबसे हमेशा जीरो रो के ऊपर होती है नॉन जीरो रोज, तो क्या होगा? बिफोर जीरो रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से रैंक वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें रैंक फाइंड करनी है। एक मैट्रिक्स है 4x3 की, जिसमें हमें रैंक फाइंड करनी है। अब हमें इसमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ए इज इक्वल्स टू हमको दे रखा है 2-1, 3-1, 1-4, -2-1, 5-2, 4-3, ये मैट्रिक्स हमको दे रखी है। इसमें हमें रैंक फाइंड करनी है। देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि रैंक फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि उसमें नॉन जीरो रोज कितनी है। नॉन जीरो रोज यानी कि नॉन जीरो रोज अगर हम देखें तो इसमें तीन है जो नॉन जीरो रोज हैं हमारे पास में, तो क्या इसकी रैंक 3 हो जाएगी? लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, ऑपरेशन अप्लाई करके हम एकलन फॉर्म जो लगाते हैं उससे हम किसी भी रो को ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं कि वो ज़ीरो कम्प्लीटली ज़ीरो बन जाए। तो सेम ऑपरेशन हम इसमें अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इसमें R3 में हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ये R3 है, इसको R3 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 2R1+R2, ठीक है, 2R1+R2-R3, ठीक है। हम ये ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये से ये रो, ये जो फर्स्ट वाली रो है वो तो हमें सेम मिल जाएगी, सेकेंड रो भी हमको सेम ही मिल जाएगी, लेकिन थर्ड वाली रो में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम रो चेंज किस में कर रहे हैं? रो थर्ड में, ठीक है। तो हम दोनों रो पहले तो एज इट इज लिख लेते हैं, -3 और 1 और 1-4, -2 और 1। अब रो थर्ड में हमें चेंज करना है। चेंज क्या करना है? 2R1+R2 यानी कि 2×2=4+1=5-5=0, ठीक है। 2×1=2, -2 और +4 यानी कि -2+4 यानी कि 2 और 2-2=0, ठीक है। 2×3=6, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2×3=6, 6-2=4 और 4-4=0, ठीक है। 2×2, 2+1=3 और 3-3=0। एक बार आप देख लीजिए ठीक से, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R2 को उसमें प्लस कर रहे हैं और फिर R3 को माइनस, ठीक है, समझ आया। अब हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया इसमें, अब हमें जो है एक रो हमें कम्प्लीटली ज़ीरो मिल गई। अब हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितने हैं, 1, 2, 2 है, जो ऐसी रोज हैं जो ज़ीरो नहीं है, मतलब हो सकता है इसमें कुछ ज़ीरो हो लेकिन कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं है। कम्प्लीटली ज़ीरो जो हमें रो मिली वो ये है, तो रैंक कितनी हुई इसकी? 2, तो ऑप्शन बी इज ट्रू, रैंक इज 2, ऑप्शन बी इज ट्रू, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन, द मैट्रिक्स ए, कुछ मैट्रिक्स दे रखी है ए इज, अब इसमें हमें फाइंड करना है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स क्या होती है? इनवॉलेटरी मैट्रिक्स क्या होती है? ये हमने 12th में पढ़ा होगा,
इनवॉलेटरी मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। अगर ये मिल जाए हमको तो ये होती है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? क्या होती है? निलपोटेंट मैट्रिक्स यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमको जीरो मिल जाए, ये होती है निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो होती है ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, देखिए इनवॉलेटरी मैट्रिक्स में जो था वो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई मिल रहा था, लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। अगर ऐसा मिल जाता है हमको तो वो मैट्रिक्स होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। अगर ए इंटू ए करने पर हमको ए ही मिल जाता है सेम एज इट इज, मतलब ए था ए की इंटू ऐसे की जस्ट ऐसे, अगर जीरो 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 यहाँ पर और इसको इंटू कर दो जीरो जीरो। वैसे ऐसा होता नहीं है, इसे नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमको जीरो जीरो जस्ट आपको समझाने के लिए ये कि ए की इंटू ए से ही कर दें और उसके बाद हमको ए ही मिल जाए, उसे बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब इसका आंसर क्या ठीक है उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा ये मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3, ये मैट्रिक्स हमको दे रखी है। सबसे पहले हमसे पूछा है क्या ये इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स हमें पता है, हम इधर साइड से लिखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। चलिए करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं हम इसका, 4 3 3 -1 0 -1 -4 -3। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, 4 × 4 = 16, 3 × -1, 3 × -1 माइनस का 3 × -1 - 3 और 3 - 4 यानी कि माइनस का 12। ठीक है, -1 -1 -4 = 16, 3 - 12। तो इसको ये जो मैट्रिक्स है इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑप्शन हमें देखा है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स का कंडीशन हमको पता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, यानी कि ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए
इज इक्वल्स टू आई मिल जाए, ए इंटू ए करते हैं। मल्टीप्लीकेशन हमें पता है कि कैसे हुई थी, मल्टीप्लीकेशन हमने ट्वेल्थ में भी की थी कि टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, एवरी रो विद एवरी कॉलम, यानी कि 4 × 4, 3 × 1 और 3 × 4, ठीक है। इस तरह से हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब कि 4 × 4 के साथ में ये वाला 3 जो है इसकी इस 1 के साथ में, और ये वाला 3 के इस 4 के साथ में, इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ऐसा ही सेम हमने एक मल्टीप्लीकेशन कर लिया, यानी कि 4 × 4 = 16, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, ठीक है। अब इस वाली रो की इस वाली कॉलम के साथ में भी मल्टीप्लीकेशन करनी है, यानी कि 4 × 3 = 12 और 3 0s आए, यानी कि 3 की मल्टीप्लीकेशन 0 से करेंगे यानी कि 0, और 3 × 4 = 12, 4 की मल्टीप्लीकेशन 3 से, 4 × 3 = 12 और 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, ठीक है। इस तरह से हमने मल्टीप्लीकेशन कर ली। अब इसका जो आंसर आया है वो ये आया है 100010001, ये आंसर आया। और ये क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई। हमें ये प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पहली बार में पता चल गया कि ये जो मैट्रिक्स है वो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स ए कुछ मैट्रिक्स है, इसमें फिर से हमें वही चीज फाइंड करनी है कि ये आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब हम फिर से वही करते हैं, क्या सबसे पहले वाले को हम चेक करते हैं, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स जो होती है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए होती है, सॉरी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ये होती है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ये वाला, ठीक है, क्या ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है, 4 − 1 = 3 = 4, 1 − 3 − 4, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, −4 − 1 = 3 = 4, 1 − 3 − 4, ये हो गई। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 = 1, 3 × 3 = 9 और 1 × 1 और 1 × 3 = 3 और 4 × 1 = 4, ठीक है। 1 × 3 = 3 − 3 − 3 − 9 और 4 × 3 = 12 + 12, ठीक है। 1 × 4 = 4 − और −3 यानी कि −12 और 4 × 4 = 16 + 16, ठीक है। ये हो गया। अब 1 × 1 − 1 और 3 × 3 और 4 × 4, ठीक है। −3 − 1 यानी कि 3 और 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, ठीक है। और 1 × 4 = 4, 3 × 4 = 12 और 4 × 4 = 16, ठीक है। ये भी 1 × 1 = 1 − 1 और 4 × 4 = 4, 1 × 3 = 3, 3 × 3 = 9 और
फोर थ्री जा 12, सी 4 1 जा 4, माइनस का 4, 3 4 जा 12 और माइनस का क्या हो गया 4 3 जा 16। आंसर क्या है? ठीक है, 1 4 3 माइनस 4 0, 3 3 प्लस 12 0, और ये 16 प्लस 4 4 माइनस 0, 1 प्लस 3 3 4, ठीक है ये भी 0, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 0, 4 प्लस 12 माइनस 16 0, 1 माइनस 3 माइनस 4 0, 3 माइनस 9 माइनस 12, 3 माइनस 8 3 3 प्लस 9 प्लस 3 माइनस 12 यानी कि 0, और 4 4 प्लस 12 प्लस 4 माइनस 16 0। ये पूरी मैट्रिक्स हमें 0 मिल गई। अब जब हमें मैट्रिक्स 0 मिल गई तो ये वाली कंडीशन तो हमारी ट्रू नहीं हुई, ये फॉल्स हो गई है ना, क्योंकि हमें ए स्क्वायर इजिकल्स टू ए मिलना चाहिए था लेकिन हमको नहीं मिला। तो अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, यानी कि निलपोटेंट इंडेक्स टू। क्या ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है? निलपोटेंट मैट्रिक्स की जो फॉर्म होती है वो ये होती है, ए स्क्वायर इजिकल्स टू 0, ठीक है, ए स्क्वायर इजिकल्स टू 0। अब ए स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर हमने ये फाइंड किया और सही में हमको ये पूरा कंप्लीटली 0 मिल गया है। तो हमें जो जो कंडीशन ट्रू हुई वो कौन सी हुई? बी कंडीशन, ऑप्शन बी इज ट्रू, बिकॉज ये जो मैट्रिक्स हमको दे रखी थी वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तो नहीं थी, क्योंकि अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती, लेकिन नहीं हुई, लेकिन सेकेंड कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में रैंक पूछा है हमसे, द रैंक ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर के, और के जो है वो डज नॉट इजिकल्स टू 0 है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास में, ठीक है, इसमें हमें मैट्रिक्स का कोई भी फॉर्म नहीं दे रखा है कि वो एन वाई एन की मैट्रिक्स है या फिर एन वाई एम की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। 1 बाय 1 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 बाय 1 की मैट्रिक्स, कोई 2 3 4, ठीक है, दे रखा है जिसके सारे एलिमेंट जो है के हैं, कोई मतलब सेम एलिमेंट है, यानी कि ऐसे सेम एलिमेंट के हैं, यानी कि के को अगर हम के इजिकल्स टू 1 मान लें तो सारे एलिमेंट क्या है? के, और के डज नॉट इजिकल्स टू 0, और वो के कुछ भी हो सकता है, या तो 1 2 3 और कुछ भी इस तरह से हो सकता है। तो पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट के हैं, उस एलिमेंट की, उस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? उस मैट्रिक्स से क्या 1, क्योंकि हमने 1 की मानी है, तो रैंक कितनी हो गई इसमें? नॉन जीरो रोज कितनी है? 1, ठीक है, तो रैंक क्या होगी? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीज। सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 और -3, ये मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहले पूछा है निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स का
कंडीशन होती है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। इनपुट इन मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर निकालते हैं। वन वन जा वन, टू टू जा फोर, थ्री माइनस वन, टू वन जा टू, यस सर। वन टू जा टू, टू टू जा फोर और थ्री टू जा सिक्स, ठीक है। लास्ट है थ्री, टू थ्री जा सिक्स प्लस थ्री थ्री जा नाइन, माइनस कराए वन 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 जा वन, टू वन जा टू और थ्री वन जा थ्री, वन वन जा वन, वन टू जो टू प्लस फोर माइनस का सिक्स, थ्री वन जो थ्री, टू थ्री जो सिक्स प्लस नाइन माइनस नाइन, ठीक है। माइनस का वन, माइनस का वन, माइनस का टू और प्लस का थ्री, ठीक है। माइनस का थ्री, माइनस का सिक्स, प्लस का थ्री टू जा सिक्स, वन टू, टू टू जा फोर, ये टू है, ठीक है। वन माइनस का थ्री, टू थ्री जा सिक्स, माइनस का सिक्स और प्लस का नाइन, ये मैट्रिक्स है। आंसर क्या है? जीरो, ठीक है। टू प्लस वन थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो और टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, थ्री प्लस सिक्स माइनस नाइन यानी कि जीरो। ये पूरी मैट्रिक्स हमको जीरो मिल गई, पूरी मैट्रिक्स हमको जीरो मिल गई। कैसे? वन वन प्लस टू थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, थ्री प्लस सिक्स नाइन, नाइन माइनस नाइन जीरो, माइनस वन माइनस टू यानी कि माइनस थ्री और प्लस थ्री यानी कि जीरो, टू प्लस माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स और प्लस सिक्स यानी कि जीरो और थ्री माइनस सिक्स प्लस नाइन यानी कि जीरो। पूरी मैट्रिक्स हमें जीरो मिल गई। कंडीशन इज ट्रू, ऑप्शन ए इज ट्रू, ठीक है। हमें एक ही बार में हमको ट्रू मिल गया, इसको ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अगर आता है तो हमें कमेंट करके बताएं।